गुड मॉर्निंग। आज का वर्क है, पर सबसे पहले बर्ड्स नेम, बर्ड्स नेम करेंगे हम। फ्रूट नेम, वेजिटेबल नेम हम कर चुके हैं, वो करेंगे बर्ड्स नेम। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है पीकॉक। पीकॉक मिस मोर, पिक्चर बनी है साथ साथ देखेंगे। OWL आउल, आउल मिस उल्लू। स्पैरो, स्पैरो मिस चिड़िया। पैरट तोता। डक मिस बत्तख। पीजन कबूतर। किंगफिशर और क्रो। पीकॉक, आउल, स्पैरो, पैरट, डक, पीजन, किंगफिशर, क्रो। एक बार फिर से करवा रहे हैं। पीकॉक, आउल, स्पैरो, पैरट, डक, पीजन, किंगफिशर, क्रो। तो ये थे बर्ड्स नेम। आज हमने इंग्लिश में क्या किया, बर्ड्स नेम किया। आपको एक बार दोबारा से इसको होमवर्क में रीडिंग करना है। लास्ट वर्क में तो मैंने इसको करवा दिया, होमवर्क में आप इसे दोबारा से पढ़ेंगे। आप पढ़ते हैं हिंदी की बुक। हिंदी में व्यंजन क से दोबारा से बता रही हूँ, नई लाइन भी करवाएंगे साथ में, ठीक है। क, ख, ग, घ, ड, ज, छ, ज, झ, ण, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, धनुष और न, नल, प, प, ब, भ, म। नेक्स्ट लाइन आज हमें जो करनी है, य, र, ल, व, श। एक बार नाम के साथ पढ़ाती हूँ, नहीं अभी मैंने बिना नाम के पढ़ाया है इनको। व्यंजन है क कबूतर, ख खरगोश, ग गमला, घ घर, अड़ खाली, च चम्मच, छ छाता, ज जग, झ झंडा, न खाली, त टमाटर, ठ ठठेरा, ज डमरू, ढ ढक्कन, ण खाली, त तरबूज, थ थर्मस, द दवात, ध धनुष, न नल, प पतंग, प फल, ब बत्तख, ब भालू, म मछली, य यज्ञ, र रथ, ल लट्टू, व वक्ष, शलजम। आज हमें यह वाली लाइन करनी है। तो ये थे व्यंजन, आपको रीडिंग करनी है नाम के साथ भी, नाम के बिना भी, क्लास वर्क में भी, होमवर्क में भी। अब करते हैं राइटिंग का वर्क। हिंदी में आज हम करेंगे, नई लाइन मैंने बताई थी ना वही है, य से यज्ञ, र से रथ, ल से लट्टू, व से वक, श से शलजम। तो एक बार दोबारा से, य से यज्ञ, र से रथ, ल से लट्टू, व से वक, श से शलजम। मैं जैसे इसे बोल रही हूँ ऐसे आपको बोल बोल के इसको लिखना है, क्लास वर्क में भी, होमवर्क में भी फुल पेज करना है। अब करते हैं इंग्लिश का वर्क। आज हम करेंगे इंग्लिश में मैच इट, सेम अल्फ़ाबेट से मैच करना है इसको। कैपिटल लेटर को कैपिटल लेटर से सेम से मिलाना है। जैसे इधर भी ए लिखा है तो आपको दूसरी लाइन में ए देख के, देखो इस तरफ ए लिखा है तो इधर वाली लाइन में आपको ढूंढ के लिखना है, ढूंढ के इस पर मैच करना है कि इसमें ए कहाँ है, बी कहाँ है, एफ कहाँ है। तो पहले हम इनको पढ़ते हैं। ए, ए को आप इसमें ढूंढेंगे, ए कहाँ है, ये रहा, आप इससे मैच कर देंगे इसको। ए फॉर क्या होता है, एप्पल होता है ना, तो ए फॉर एप्पल को ए फॉर एप्पल से मैच करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट है बी, बी देखेंगे कहाँ है, सबको दिखाई दे रहा है बी कहाँ है, और इस लाइन में कहाँ है, ए के बिल्कुल नीचे। पहले ढूंढ लेना, मिल जाता है तो उसके बाद उसको उससे मैच करना है ऐसे। नेक्स्ट है एफ, एफ को एफ से मैच करेंगे, यहाँ पे बिल्कुल पास पास दिए हैं, आप इजीली इसको ढूंढ सकते हैं। नेक्स्ट है एच, एच को एच देखिए कहाँ सबसे नीचे है ना,
तो इससे मैच कर दो। अब ये क्या है, क्या है, एम फॉर मंकी। तो इसको देखिए कहाँ एम फॉर मंकी सबसे ऊपर है, तो इसको इससे मैच कर दो। पहले ये वाली लाइन को देखेंगे, फिर इसमें ढूंढेंगे और फिर इससे मैच कर देंगे। बारी बारी से मैच करोगे तो आपको जल्दी इजी रहेगा, ढूंढने में भी अच्छे से आपको मिल जाएंगे। तो ये था आपका आज एकदम ईजी वर्क, मैच इट इंग्लिश में हो गया है वर्क हमारा। क्लास वर्क में भी यही है, होमवर्क में भी यही है। अब करते हैं मैथ का वर्क। मैथ्स में भी आपको सेम नंबर मैच करने हैं कि आपके सेम नंबर, देखिए ऊपर सबसे ऊपर क्या लिखा है, मैच इट है। जैसे हमने इंग्लिश में किया ना, ऐसे इसमें फाइंड आउट करना है, फाइंड करके इसको आपको इसको मैच करना है, ठीक है। तो यहाँ सबसे पहले क्या, थ्री। अब इसमें थ्री देखेंगे हम कहाँ है, सबसे नीचे है ना, तो इसको मिला देंगे, 15 के ऊपर है, थ्री को इस थ्री पे मैच कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट नंबर है सेवन। सेवन को देखो, सेवन कहाँ है इस लाइन में, 20 है, 10 है, फिर क्या है, सेवन। तो यहाँ इस सेवन को इस सेवन पे मैच कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 10। अब देखो इसमें 10 का है, 20 है, फिर क्या है, 10। तो हम इस 10 को इस 10 पे मैच कर देंगे। नेक्स्ट है 15 15। देखो 20 है, 10 हमने मैच कर दिया, 7 28 बचा है और 15। तो सबसे नीचे क्या है, 15। तो इसको 15 से मैच कर देंगे। नेक्स्ट है 15 के बाद क्या है, 22 0 20। अब देखिए 20 कहाँ है, सबसे ऊपर है ना 20, तो नीचे वाले को इससे 20 से मैच कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, 28। तो आप 28 28 28 को 28 28 से मैच करेंगे, ठीक है। ये था आज का आपका वर्क, इसमें भी इजी वर्क था एकदम, क्लास वर्क में भी यही है, होमवर्क में भी यही है। आज के लिए इतना ही, ओके बाय, सी यू टुमारो।